चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। मोहम्मद मलिक जी का सवाल आया है, कोल इंडिया पर 650 शेयर्स इन्होंने 280 पर लिया हुआ है और अच्छे लेवल पर एंट्री ली है। वहां से लगभग लगभग 100 रुपये प्रति शेयर का इनको 100 रुपये चल चुका है ये स्टॉक इनके खरीद भाव से, और अच्छा मुनाफे में भी है कोल इंडिया में। विनी जी, कोल इंडिया ये तो इस स्टॉक में डिविडेंड का भी फायदा मिलता है और हाल फिलहाल में जिस तरीके से तेजी दिखी है कोल इंडिया में, निवेशकों को भी ये फायदा देकर गया है। अब यहाँ से किस तरह की चाल आप देख रहे हैं कोल इंडिया में, अगले टारगेट्स क्या देख रहे हैं? कोल इंडिया में बने रहना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट का नया प्लान फॉर द नेक्स्ट ईयर है कि 24/7 पावर सबको देनी है। तो आपको जब आप एश्योर्ड पावर कर रहे हो तो आपको कोल का प्रोडक्शन भी बढ़ने वाला है, उससे कोल इंडिया को फायदा होगा। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक 400 450 की लेवल तक जा सकता है आने वाले कई दिनों में। हमें लगता है कि ये स्टॉक काफी डिफेंसिव है और ज्यादा गिरने की उम्मीद नहीं है, तो आप इसको होल्ड करके रखिए। ओके, तो होल्ड करने की सलाह आपको कोल इंडिया में।